क्या आपने अपनी लाइफ में ऐसे डैम को देखा है जिस डैम के पास में ही एक होल है और इस होल में गिरने से बहुत से लोगों की जाने गई हैं और ये जो इतना बड़ा डैम है ये एक जिंदा बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है। और इस डैम के टूटने के बाद जो तबाही आएगी उस तबाही के बारे में तो शायद आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते। और क्या गाइस आपने कभी ऐसे डैम को देखा है जो कि पूरे रिवर के पानी को कंट्रोल करता है और वो पूरा डैम सिर्फ कच्ची मिट्टी से ही बना हुआ है जो कि उस डैम की मिट्टी धीरे धीरे पानी में घुलती जा रही है। तो गाइज आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए दुनिया के टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डैम्स की लिस्ट लेके आया हूँ जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। और गाइज इसी टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डैम्स की लिस्ट में हमारे इंडिया का भी एक ऐसा डैम शामिल है जो कि इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे डेंजरस डैम है। और उस डैम को ना तो आपने कभी किसी वीडियो में देखा होगा और न ही उसके बारे में कहीं पर सुना होगा। तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आज के इस वीडियो में आप सभी को बहुत ज्यादा मजे आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को टॉप 10 मोस्ट डेंजरस डैम्स इन द वर्ल्ड, जिसमें नंबर 10 पर है हूवर डैम। ये डैम यूएसए में है जिसे पहले बोल्डर डैम के नाम से जाना जाता था। कंक्रीट से बनाया गया ये डैम यूएसए का सबसे ऊंचा डैम है जिसे कोलोराडो रिवर पर बनाया गया है जो कि अमेरिकन स्टेट नोवादा और एरिजोना दोनों स्टेट के बीच में स्थित है। ये डैम ऊपर से देखने पर आपको जितना पतला लग रहा है उतना पतला ये नीचे से है नहीं। ये डैम नीचे से 656 फीट चौड़ा है और ऊपर से इसे सिर्फ 46 फीट ही चौड़ा बनाया गया है। कोई भी डैम जो डैम नीचे से जितना ज्यादा चौड़ा होगा वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। डैम बनाने का मतलब सिर्फ पानी को रोकना ही नहीं होता है बल्कि पानी को अच्छे से यूज में लाने के लिए इन डैम्स को बनाया जाता है। पानी से बिजली बनाई जाती है और सिंचाई के लिए जितने पानी की जरूरत है सिर्फ उतना ही पानी दिया जाए जिससे कि पानी वेस्ट ना हो और उसका सही ढंग से उपयोग किया जा सके। अगर पानी बिना डैम्स के ऐसे ही बहता रहेगा तो वो ना जाने कितने करोड़ों लोगों की फसलें बर्बाद कर देगा क्योंकि बिना डैम्स के अगर कभी बाढ़ आई तो उस पर इंसान का कोई भी कंट्रोल नहीं होगा, फिर फसलें और शहर तो बर्बाद होंगे ही। और गाइस ये हूवर डैम 726 फीट या 221.4 मीटर ऊंचा है। अब ये डैम कितना ज्यादा खतरनाक है इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अगर ये डैम टूटा तो कोई हजारों या लाखों लोगों की जाने नहीं जाएंगी करोड़ों लोगों की जाने जाएंगी। और इस हूवर डैम को कई सारी मूवीज में टूटता हुआ भी दिखाया जा चुका है जो कि आपने वीडियो में ऑलरेडी देख ही लिया होगा। नंबर 9 पर है अलमेंडर डैम स्पेन। ये डैम स्पेन के सबसे ऊंचे डैम्स स्ट्रक्चर्स में से एक है जिसे बिलारिनो डैम के नाम से भी जाना जाता है। इस डैम को 1963 और 1970 के बीच टॉर्मेस रिवर के तेज बहाव को रोकने के लिए बनाया गया। इस डैम के पीछे ये जो आप पानी देख रहे हैं ये 86.5 स्क्वायर किलोमीटर कवर करता है और इसमें 2.5 बिलियन क्यूब मीटर पानी मौजूद है। तो आप खुद सोचो कि इस डैम के साथ जरा सी भी छेड़छाड़ कितनी ज्यादा तबाही ला सकती है। ये डैम नीचे से आधा किलोमीटर तक चौड़ा है और इसकी ऊंचाई 202 मीटर है। ये डैम 810 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। नंबर 8 पर है जिनपिंग डैम चाइना। चाइना जो कि जाना जाता है डैम्स के देश के नाम से। चाइना में लगभग 87,000 डैम्स हैं जो कि किसी और कंट्री के छोटे मोटे डैम्स को भी मिलाकर इतने डैम्स नहीं होंगे। इस जिनपिंग डैम को आर्च शेप में बनाया गया है। ये डैम कोई चाइना का ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बड़े डैम्स में से एक है। 4 बिलियन डॉलर खर्च करके बनाए गए इस डैम की ऊंचाई 305 मीटर यानी कि 1001 फीट है और लंबाई 568.6 मीटर है जिसे साउथ ईस्ट एशिया की लार्जेस्ट रिवर युलोंग रिवर पर बनाया गया है जो कि कई बड़े देशों से होकर गुजरती है। इस डैम का आकार इतना बड़ा है कि इस पर 60 मिलियन लोगों की जिंदगी निर्भर है और ये चाइना के काफी बड़े हिस्से को बिजली पहुंचाने का काम करता है। लेकिन ये डैम इतना बड़ा होने के साथ साथ काफी खतरनाक भी है। इंजीनियर्स इस डैम की मजबूती को लेकर कई सवाल खड़े करते नजर आए हैं। उनका कहना है कि ये डैम किसी भी तरह की एक जिंदा बॉम्ब की तरह है जो कि कभी भी फट सकता है और अगर ये गलती हो जाती है तो ये कितना नुकसान करेगा इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। नंबर 7 पर है करीबा डैम जिम्बाब्वे। इस डैम को जिम्बाजी रिवर पर बनाया गया है जिसे 1955 में बनाना स्टार्ट किया गया और ये डैम 1959 में बनके कंप्लीट हो गया। इस करीबा डैम की ऊंचाई 420 फीट यानी कि 128 मीटर है और इसकी लंबाई 579 मीटर 579 मीटर है। ये डैम इतना बड़ा है कि जिम्बाब्वे नदी जो 280 किलोमीटर तक फैली हुई है उसके पानी को कवर करता है जो कि ये डैम 185 क्यूबिक किलोमीटर पानी होल्ड किए हुए है। इस डैम का एक किनारा जिम्बाब्वे और दूसरा किनारा जाम्बिया में लगता है जो कि इस डैम के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी इन दोनों की ही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर इस डैम को रिपेयर नहीं किया गया तो ये डैम फेल हो जाएगा जिससे 3.5 मिलियन लोगों की जान
जाने जा सकती हैं, जो कि ये लोग इस डैम पर पूरी तरह से निर्भर हैं। नंबर 6 पर है मोसल डैम इराक। जब बात मोस्ट डेंजरस डैम्स की हो रही हो तो उसमें मोसल डैम का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। ये डैम देखने में आपको उन बड़े डैम्स की तरह नहीं लगेगा जो आप अभी देख चुके हैं, लेकिन ये डैम दुनिया का सबसे खतरनाक डैम है, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी डैम्स को देखा है वो सारे डैम्स कॉन्क्रीट के बने हुए थे, लेकिन ये डैम सिर्फ कच्ची मिट्टी से ही बना हुआ है और ये मिट्टी दिन ब दिन लहरों के साथ कटती जा रही है। इसीलिए ये डैम इतना ज्यादा खतरनाक है कि ये कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन इस डैम पर लगातार बिना रुके 24 घंटे रिपेयरिंग का काम चलता रहता है। इसे 1986 में सद्दाम हुसैन के समय में बनाया गया था और सोने पर सुहागा डैम के अचानक से फेल होने पर उससे निकलने वाले पानी को रोकने के लिए इमरजेंसी रिलीफ डैम बनाए जाते हैं, उसका काम यहाँ आज तक पूरा नहीं हो पाया है। मतलब साफ है, जिस भी दिन ये डैम टूटेगा तो ये अपने साथ लाखों करोड़ों लोगों की भी जाने ले डूबेगा। इसी के साथ इस डैम पर लगातार ISIS के टेररिस्ट ग्रुप के हमले का भी डर बना रहता है। नंबर 5 पर है इडुक्की डैम, केरला, इंडिया। गाइस, ये डैम एशिया के हाईएस्ट आर्च डैम्स में से एक है, जिसे पेरियार रिवर पर बनाया गया है। इस डैम को चेरुथोना और कुलमावु डैम्स के साथ ही बनाया गया था, जो कि इन तीनों डैम्स ने मिलकर एक आर्टिफिशियल लेक का निर्माण किया, जो कि पूरे 60 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। इस डैम द्वारा स्टोर पानी का यूज, बिजली बनाने और सिंचाई के लिए यूज में लाया जाता है, और जो कि ये डैम 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है। इसकी ऊंचाई 168.91 मीटर है, जिसे 554 फीट भी बोल सकते हैं, और ये डैम 365 मीटर से भी ज्यादा लंबा है। इंडिया का ये डैम जितना बड़ा है उतना ही खतरनाक भी है। अगर इस डैम में जरा भी कुछ गड़बड़ होती है तो ये वो सैलाब लेकर आएगा जिसके चारों तरफ तबाही का ही मंजर होगा और बहुत सारे गांव पानी में ही डूब जाएंगे। नंबर 4 पर है थ्री गॉर्जेस डैम, चाइना। पृथ्वी पर मौजूद ये डैम दुनिया का सबसे बड़ा डैम है, जो कि 2.3 किलोमीटर चौड़ा है। ये डैम इतना बड़ा है कि कहा जाता है कि इसके निर्माण से धरती के रोटेशन की गति में कमी आई है। 2006 में इस डैम के बनाने के बाद से इससे जुड़ी कई अटकलें लगातार सामने आती रही हैं। कहा जाता है कि इसने यहाँ के आसपास के एनवायरनमेंट पर बुरा असर डाला है। इसकी वजह से यहाँ के एरिया में लैंडस्लाइड के साथ अर्थक्वेक भी आते रहते हैं। लोगों का कहना है कि 2008 में चाइना में आए एक भयानक भूकंप, जिसमें लगभग 87,000 लोगों की जाने गई थी, उसके पीछे का कारण यही डैम है। लेकिन चाइना की गवर्नमेंट ने इस बात को नकार दिया और हाल ही में कुछ सालों में ये डैम खतरनाक तरीके से कई बार खतरे के निशान से ऊपर बहते हुए भी देखा गया है। लेकिन इस डैम ने चाइना में बिजली पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले कोल की खपत को काफी मात्रा में कम कर दिया है। नंबर 3 पर है मोंटिसेलो डैम, USA। ये डैम दुनिया के मोस्ट ब्यूटीफुल डैम्स में से एक है, जिसे हजारों लोग देखने आते हैं, और इस डैम पर सबसे ज्यादा जिसे देखा जाता है वो है ये ग्लोरी होल, जो कि देखने में ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। लेकिन इस डैम का ये होल एक नरक का दरवाजा है। इस होल में गिरकर कई सारे लोगों की जाने भी जा चुकी है, जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही रहे होंगे। इस होल में आज तक जो भी गिरा है वो जिंदा नहीं बच पाया है। इस होल के नीचे टर्बाइन्स को लगाया गया है, जिससे बिजली को बनाया जाता है। इस डैम को 1953 में बनाना स्टार्ट किया गया था, जो कि ये 1957 तक बन के कम्प्लीट हो पाया। और अगर हम बात करें इस डैम की हाइट के बारे में, तो ये 304 फीट यानी कि 93 मीटर ऊंचा है, और ये डैम 1023 फीट या 312 मीटर लंबा है। इस झील का पानी बढ़ जाने पर डैम से 48,400 क्यूबिक फीट पानी एक सेकेंड में निकाला जा सकता है। ये तब होता है जब झील का पानी स्पिलवेज लिफ्ट से 15 फीट ऊपर हो जाता है। ये डैम साल भर में 5,68,00,000 किलोवाट से भी ज्यादा बिजली पैदा करता है। नंबर 2 पर है गॉर्डन डैम, ऑस्ट्रेलिया। इस डैम को ऑस्ट्रेलिया की गॉर्डन रिवर पर बनाया गया है, जो कि वहाँ के साउथ वेस्ट तस्मानिया में स्थित है। ये डैम गॉर्डन रिवर का 1,23,00,000 मेगालीटर से भी ज्यादा पानी को होल्ड करता है। इस डैम को 1974 में बनाना स्टार्ट किया गया था और 1978 तक ये बन के कम्प्लीट हो गया, और इसकी हाइट 140 मीटर या 459 मीटर है, जिसे ऊपर से देखने पर ये डैम बहुत ऊंचा दिखाई देता है, और ये 198 मीटर लंबा है। ये डैम भी ऊपर से बहुत ही पतला दिखाई देता है, जैसे मानो किसी पतली सी चीज को पानी के बहाव को रोकने के लिए लगा दिया गया हो। बट ये डैम स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन कोई भी चीज
कितनी भी स्ट्रोंग क्यों ना हो, एक ना एक दिन वो खराब होती जरूर है। अगर इस डैम पर कहीं पर भी कोई भी दरार आती है और ये टूट जाता है तो ये डैम आसपास की पूरी एरिया में तबाही मचा देगा। तो गाइस फाइनली अब हम बात करते हैं नंबर वन डैम के बारे में, जिसका नाम है कॉन्ट्रा डैम। ये डैम स्विट्जरलैंड में है और इस डैम को वेरजास्का डैम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये डैम जिस रिवर पर बना हुआ है उस रिवर का नाम वेरजास्का ही है। ये डैम स्विट्जरलैंड के मोस्ट फेमस डैम्स में से एक है। ये डैम इतना बड़ा है कि इसकी हाइट 220 मीटर है और ये 380 मीटर लंबा है। इस डैम के बीचों बीच स्टंट करने के लिए इसे भी लगाया गया है, जिससे बहुत सारे लोग इस डैम पर आकर स्टंट करते हैं। ये डैम 1965 में कंप्लीट हुआ था और इसके बनने से पहले ही डैम में बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन सारी प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इस डैम को कंप्लीट कर दिया गया। ये डैम इतना पानी होल्ड किए हुए है कि अगर डैम की किसी भी मशीन या डैम में कोई भी खराबी आती है तो वो एक छोटी सी गलती भी पूरे डैम को गिरा सकती है। और डैम के गिरने के बाद जो तबाही होगी, उस तबाही के बारे में आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो गाइस आप लोग मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको इन टॉप 10 डैम्स में से सबसे डेंजरस डैम कौन सा लगा, और क्या आप उस डैम को एक बार वहां जाकर देखना चाहेंगे, ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो गाइस आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, जिससे कि उन्हें भी इन टॉप 10 डेंजरस डैम्स के बारे में पता चल सके। तो मिलते हैं एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय।